हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी और कृष्णा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक तोरी की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम तोरी अपने घर में बनाते हैं तो हमारे घर में हस्बैंड का, बच्चों का, सबका मूड खराब हो जाता है, किसी को तोरी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम क्या करेंगे, आज हम तोरी की सब्जी बना रहे हैं उसका एक सीक्रेट है कि हम उसे एक ट्विस्ट देंगे जिससे किसी को भी नहीं पता लगेगा कि तोरी की सब्जी है। तो आइए देखते हैं तोरी की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। तोरी की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, देखिए ये मसाले हैं। ये एक चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच सूखा धनिया लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है, ये हींग है, हींग भी हमें एक चुटकी यूज करना है। तीन हरी मिर्च ली है जो बारीक चॉप की हुई है। हमने आधा चमचा ये ऑयल लिया है जो मस्टर्ड ऑयल है, आपके घर में जो भी ऑयल यूज होता है वो यूज कर सकते हैं। ये एक ऑनियन है जिसे हमने चॉप किया हुआ है। ये दो मीडियम साइज के टमाटर हैं जो हमने पहले से चॉप किए रखे हैं। ये हमारी तोरी है जो आधा किलो तोरी है, इसे हमने छीलकर तैयार कर लेना है। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए, पहले हम इसे पील कर लेते हैं। तोरी को हमने पील करके तैयार कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी है। देखिए, ये हमने इसके पीसेस तैयार कर दिए, अब हम इसके फोर पीस तैयार करेंगे इस तरीके के। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके के। अब सारे पीसेस हम इसी शेप में काट लेते हैं। तो हम तोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी जो कढ़ाई रखी है उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। में जो हमने ऑयल बताया था आपको वो ऐड करेंगे। उसे आप हाई भी कर सकते हैं फ्लेम को। ऑयल हमारा अब धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो गया। हम गैस को फिर से लो फ्लेम पे कर देंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम एक चुटकी हींग डालेंगे, इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को अच्छे से भूनने दीजिए। लो फ्लेम पर ही हम इसमें अब ऑनियन डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से ब्राउन होने देना है। देखिए, प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। इसे हम लो फ्लेम पे करके इसमें जो हमने टमाटर चॉप किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल आराम से ऐड कीजिए। हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसे आप हल्के से पकने दीजिए। इसमें हम अपनी हल्दी ऐड करेंगे, धनिया, नमक हम बाद में ही मिक्स करेंगे क्योंकि नमक डालने से हमारी तोरी जो है वो अच्छे से नहीं गलेगी। तो अभी फिलहाल हम अपना जो ये मसाला है इसे अच्छे से भून के तैयार कर लेते हैं। लो फ्लेम पर ही इसे हमें मसाले को भूनना है ताकि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए और अच्छे से भून जाए। ये देखिए, बिल्कुल भून गया है। इसमें जो चिकनाई है वो भी ऊपर आ गई है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम अपनी जो तोरी है वो ऐड करेंगे। थोड़ा आप इसे हाई फ्लेम पे कर दीजिए।
ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और जो नहीं भी खाता है वो भी मांग मांग के खाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि मसाला अच्छे से तोरी पे लग गया है, तोरी भी काफी गल चुकी है, पूरा नहीं कुक हुई है वो। अब इसमें हमने जो नमक बताया था 1 चम्मच नमक, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से आप मिला लीजिए और मिला के आप इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। दस मिनट हो गए हैं और हमारी तोरी की सब्जी देखते हैं, यस ये बिल्कुल रेडी है। हम गैस को ऑफ करते हैं और इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल गल चुकी है। आप चाहे तो इसे 10 मिनट का जो हमने टाइम बताया है उसमें आप बीच में चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तोरी अच्छे से तैयार है या नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी है, सब्जी बिल्कुल रेडी है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये तोरी की सब्जी बिल्कुल रेडी है, इसे आप चाहें तो क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्रीम से भी इसमें फ्लेवर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने घर की मलाई से ही इसे डेकोरेट कर रहे हैं। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड हेल्थी।